सात दिवसीय शिविर में भाग लेने वाले स्वयं सेवक आप सबका इस विद्यालय प्रांगण में मैं अपनी तरफ से एवं समस्त स्टाफ सदस्यों की तरफ से हार्दिक सर्वप्रथम इसका मतलब होता है राष्ट्र की सेवा। राष्ट्र की सेवा, हम राष्ट्र की सेवा हम कहते हैं कैसे कर सकते हैं, हम बच्चे होते हुए एक स्वयं सेवक कार्यकर्ता होते हुए राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं। इस सात दिवसीय शिविर में आपको विभिन्न कुरीतियों के बाद में कह रही है उनके बारे में जानते लिखा हुआ है राष्ट्रीय सेवा योजना और उसके अंदर कुछ लाल रंग से बनाया हुआ है जो आपका निशान है वो ये दर्शाता है कि आपको 24 घंटे और सातों दिन हमारे एक मंत्री आए हैं यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर और मैंने आज बोला कि अगर मैं संजय जी के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी तो पिटाई करेंगे क्योंकि मैं पहले भी दो बार प्रोग्राम मिस कर चुकी हूँ और मुझे लगा कि इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। जब अंजलि जी पोषण आहार की बात कर रही थी कार्यक्रम हो रहा है उसमें विभिन्न विषय लिए जाते हैं, जब वो पोषण आहार की बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि जंक फूड ऊपर बताया और नीचे पोषाहार के बारे में बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो बात कर रही थी कि बच्चे आजकल क्या खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बर्गर पिज्जा मोमो जानते हैं ना आपको, चाट गोलगप्पे है रेडी वाला लग जाए स्कूल के बाहर तो मजा आ जाता है। लेकिन मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि ये चीजें भी कम खाते हैं। आजकल के बच्चे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर तो काफी यूज करते हैं, क्यों गर्ल्स बैठी है पीछे यूनिवर्सिटी की, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ज्यादा खाते हैं। सर देखो सबको पता है इंस्टाग्राम क्या है, लेकिन आप मेरे चेहरे पे ही दाग दिख रहे हैं, बड़े काले काले पैचेस हैं देख रहे हैं, खास करके लड़कियां, क्योंकि आज की लड़की घर की मदर बनेगी माँ बनेगी ये भी पापा बनेगी लेकिन माँ हंसने वाली बात नहीं, माँ जो होती है ना वो जब इसलिए ये जो बच्चियां बैठी हैं जो आज ये NSS के तहत ये प्रोग्राम चला रही हैं या जो सुन रही है यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, पहले तो आपको इसको फॉलो अप करना चाहिए। स्वच्छता अभियान का आपने प्रोग्राम लिया है, मुझे चीफ गेस्ट भी उसी उद्देश्य से बनाया। स्वच्छता अभियान आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री कौन है, अच्छे लगते हैं आपको, पसंद करते हैं उनको, आप भी पसंद करती है कि नहीं करती है, करते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान इसलिए लिया क्योंकि मेरे साथ ही ये एपिसोड हो चुका है। एक हमारा संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसकी इंटरनेशनल शाखाएं भी हैं, उनकी एक बार कुछ डेलीगेट्स आए उनके साथ, मैं तब युवा मोर्चा में थी, यूथ वीक है हमारी पार्टी का, उसमें मैं काम करती थी, यहाँ भी आए हिमाचल के सारे एरिया उन्होंने देखे, वहां बच्चे पढ़ते हैं इंटरनेशनली, विश्व हिंदू परिषद ने कुछ स्कूल भी चलाया है और RSS ने कुछ शाखाएं चलाई है एजुकेशन की, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनको आना था USA इंग्लैंड से, तो यहाँ आए वो देखने जगह कहाँ कहाँ हम लोग एडवांस में सर्वे करने आए कहाँ कहाँ हम उनको ले जा सकते हैं। मंदिरों में गए हमारे और हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें गए, पूरे हिमाचल का उन्होंने मेरे साथ भी टूर किया था, पार्टी की तरफ से मेरी जिम्मेवारी रही थी, आज से 6-7 साल पहले की बात है। और जब वो कहीं भी जाए तो उनके साथ जो फॉरनर्स थे ना वो हर जगह बोले छी गंदगी, मंदिर में जाए मंदिर साफ नहीं करते हो आप क्या, हर जगह उनको गंदगी लग गई, ये डस्टबिन फेंके हुए, ये आपने पॉलीथिन पहने फेंके हुए, अरे आप कैसे लोग आप अपने आप को साफ सुथरा नहीं करते हैं, सब ऐसे फेंक देते हैं। अगर उन्होंने किसी को बाथरूम करते हुए देखा
जो सड़क में खास करके पुरुष बंधु लड़के कहीं भी अपनी धारा प्रवाह कर देते हैं, तो उसमें क्या था, उसमें क्या था, उन्होंने हंसने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है, उनका ये कहना था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, अरे ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका देश है, आपका अपना देश है, अपनी जगह है, अपना स्कूल है, जिसे आप स्कूल में अपनी जगह है, अगर आपको आप उसको स्वच्छ नहीं रखेंगे तो कितने इंसल्ट भारत की विदेशों में होती है, टूरिस्ट जब आता है, बाहर के लोग जब आते हैं, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन भारत बहुत गंदा देश है ये सुनने को मिलता है। तो इसलिए जब हम जैसे लोग बाहर भी जाते हैं, फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं, तो जब हम वहां की स्वच्छता देखते थे, वहां पर ऐसा होता था कि कई जगह तो कदरू बना है, लेकिन कई जगह, मेरी एक सिस्टर है स्विट्जरलैंड में रहती है, स्विट्जरलैंड हिमाचल से भी छोटा है, शिमला की तरह छोटी सी कंट्री है, लेकिन वहां पे जो घरों में आप रहते हैं ना, चाहे आपके घर में छोटा से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वहां सर्वेंट तो नहीं मिलते काम के लिए, वहां शीशे में अगर थोड़ा सा दाग भी लगा देंगे ना आप, तो उस दाग के लिए फाइन है, रोज जो वाइफ होती है ना घर की, मदर या बच्ची बड़ी, वो शीशे साफ करने लगी होती है, ताकि वहां के जो लॉ ऑफिसर है या पुलिस के लोग हैं जो वहां इंस्पेक्शन करने आते हैं, इतना सा घर में दाग भी नहीं चाहिए। और आप स्विट्जरलैंड को देखोगे तो वो इतना खूबसूरत है, इतनी छोटी जगह, एक एक घर इतना सुंदर है, दिल खुश हो जाता है उसको देख। हिमाचल तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, भारत में बहुत सारे क्षेत्र है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी ये है, ये चीज हमारी नहीं है, कहीं डस्टबिन फेंकेंगे, कहीं पॉलीथीन फेंकेंगे, कहीं कुछ फेंकेंगे, तो ये जो स्वच्छता अभियान चलाया है आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी ने, इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दी है कि अपना अपना आस पास स्वच्छ रखो। वृंदावन में हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होम साइंस डिपार्टमेंट वाले आए हुए हैं, क्योंकि उसका उनका यहाँ वृंदावन पंचायत में NSS का कैंप लगा हुआ है, और उसके अंडर जो उनका आज का डे है ये है स्वच्छता अभियान, तो उसमें स्वच्छता अभियान के साथ साथ न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ फूड्स के ऊपर भी बताया गया है बच्चों को, और उसके बाद रैली भी निकाली है बच्चों ने, और स्कूल में वैसे बहुत स्वच्छ रखा है हमने स्कूल, पर उनके साथ ही हमने आज स्कूल में चारों और साफ़ सफाई की है, और हाँ, और एक बात और, NSS, क्योंकि मैंने बहुत पहले यहाँ स्कूल में मैंने NSS के लिए बोला था, और मुझे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बोला था कि मैडम आपको हाफ यूनिट पर हमें नहीं मिली है, तो आज मैंने हमारे जो ये महिला मोर्चा के सुश्री इंदु गोस्वामी जी आए हैं, इनको भी मैंने बोला है कि हमें NSS की जो है हाफ यूनिट ही दिलवाई जाए, ताकि हम और भी अच्छा काम कर सकें। थैंक यू। हमारे डिपार्टमेंट के ग्रुप होता है, उसमें चेयरमैन हूँ मैं, और मैंने उनको बोला है कि जहाँ भी लगेगा आपको कहीं कहीं टॉयलेट्स का खुलाब दान करना है, सोलर लाइट्स है, आपके बेंचेज हैं या कोई कुछ और चाहिए, तो मुझे मेरे ध्यान में लगाना है, उसको मैं पूरा करूँगी। एक प्रधानाचार्य जी की तरफ से NSS के लिए अनुरोध हुआ है, मुझे एक रेजोल्यूशन डाल के देना, तो फिर मैं गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट लेटर बना के देना, तो मैं ध्यान में लाऊंगी, सीएम को कोशिश करूंगी हो। और अच्छी चीज़ है कि लड़कियां खास करके NSS में, और आगे ये NSS जो है उससे पॉइंट्स मिलते हैं, आप आगे आपको जॉब्स में आने की बहुत इम्पोर्टेंट ये तो है चीज़ है जिंदगी में। मैं भी रही हूँ NCC की कैडेट रही हूँ, इसलिए मुझे मालूम है, इसलिए हेल्दी वेल्दी हूँ आज की डेट में भी, 50 साल की उम्र में दम दम से खड़े रहते हैं, इसलिए आप जो है यही संदेश देना चाहूंगी कि आपने स्कूल से, आपको आपके टीचर को शिकायत नहीं होनी चाहिए, स्कूल से स्वच्छता अभियान शुरू करना अपने दिल से, ये लेके मेरा स्कूल मेरा भारत, लेके करोगे।